सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग नमस्कार। जीबी एजुकेशन की तरफ से अब तक जो क्लासें हुई हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अपना 6 से लेके 18 तक लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, समझ गए बात। एक तो शुरू के बचे हुए थे 1 से 5 लेसन, और लास्ट का बचा हुआ है 19वां 20वां लेसन। तो ये तो छोटे लेसन है, इनको तो अपन लास्ट में लेंगे। अब लगातार अपनी चर्चा होगी पहले से 5वें लेसन तक, और इसी के बीच में मैं आपको करवा दूंगा क्या मानचित्र वाला टॉपिक, क्योंकि अब 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम जो 29 और 30 जून को है, 29 जून को अपने सामाजिक की एग्जाम है, तो ये मानचित्र वाला जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो पहले लेसन के साथ साथ ही बीच में अपने 1-2 क्लास के बाद में मानचित्र वाला करेंगे। शुरू में मैंने ये लेसन इसलिए छोड़े थे कि भाई पहले किसी दूसरे चैनल पे मैंने नॉर्मल तरीके से 1 से 5 तक लेसन करवा दिए थे। अब अपन बढ़िया तरीके से विस्तार से अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन लेसनों की चर्चा करेंगे। तो इसको तो लेंगे अपन लास्ट में, 1 से 5 लेसन प्लस मानचित्र, सबसे पहले तो इनकी चर्चा होगी। तो पहले लेसन की अब अपन शुरुआत करते हैं। तो वही तरीका जो अपन लेसन को प्रारंभ करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड परीक्षा में ये लेसन कितने नंबर का होगा। बोर्ड परीक्षा में ये वाला लेसन आएगा आपके 5 नंबर का, काफी महत्वपूर्ण लेसन है। अब 5 नंबर का जो लेसन है, इसमें से 2% बनेंगे, 1% होगा 1 नंबर का, 1% होगा 4 नंबर का, टोटल मिलाकर नंबर कितने हो गए 5। तो इस लेसन में से हर एक लाइन जो 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है वो तो अपने को करना ही करना है, साथ में 4-4 नंबर के प्रश्न कहां से बनते हैं वो ध्यान में रखते हुए आज अपन लेसन की शुरुआत करते हैं। लेसन की शुरुआत में आपके बता रखा है क्या, महाजनपद काल। सन याद रखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये सन दे रखी है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक, वो आपको याद नहीं रखनी। अब देखो था क्या, महाजनपद एक बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। इसके अनुसार महाजनपदों की कुल मिलाकर संख्या कितनी थी, 16। ये होते क्या है महाजनपद, वो सुना आप लोग। भारत का इतिहास अपन देखे ना तो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऐसे भारत का इतिहास प्रारंभ से चलता आता है। लेकिन वास्तविक रूप से तिथि के आधार पर अपन देखें तो सही तरीके से इतिहास की शुरुआत होगी मौर्य काल से, और अपने इस लेसन में अपन मौर्य काल भी पढ़ेंगे। लेकिन मौर्य काल से पहले की थोड़ी सी उल्लेख जो है ना वो अपन बात करें महाजनपद काल का। पहले भारत छोटे छोटे कुछ राज्यों में बटा हुआ था, उन छोटे छोटे राज्यों को कहते थे जनपद। क्या कहते थे, जनपद। लेकिन जब जनपद बड़े होते गए तो बड़े राज्य बन गए, जनपद बड़े होने के कारण फिर उन्हें कहा जाने लगा क्या, महाजनपद। तो इसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि एक बौद्ध ग्रंथ था कौन सा, अंगुत्तर निकाय, इसके अनुसार भारत में कुल महाजनपद कितने थे, 16 थे। तो आपसे 1 नंबर का प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, या फिर पूछा जा सकता है कि महाजनपदों की संख्या किस बोध ग्रंथ में बताई गई है। तो उस बोध ग्रंथ का क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। तो एक लाइन ही लिखेंगे अपन इसमें, और वो लाइन आपको याद रखनी है, बोध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत में कुल 16 महाजनपद थे, समझ गए बात। अब महाजनपदों का तो अपने को ज्यादा उल्लेख भी नहीं करना, अब इसमें पढ़ लेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद, मतलब महाजनपद बड़े होते हैं जनपद छोटे होते हैं। राजस्थान के 4 प्रमुख जनपद थे, वो अपने 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ये तो 1 नंबर का पूछेगा आपसे पूछेगा, तो समझ गए बात। अब अपन 4 नंबर वाला जो पहला प्रश्न बनता है अपने लेसन में से उसकी चर्चा करेंगे। और प्रश्न है क्या, राजस्थान के प्रमुख जनपद, मतलब राजस्थान के प्रमुख जनपदों का उल्लेख करो या प्रमुख जनपदों का वर्णन करो। तो सबसे पहले अपने को बताना है
राजस्थान में कुल 4 जनपद थे। कितने जनपद थे राजस्थान में? 4 जनपद थे। सबसे पहले चारों का नाम लिखेंगे, फिर एक एक का वर्णन करेंगे अपन। सबसे पहले लेंगे अपन क्या? जंगल। दूसरे नंबर पे लेंगे अपन क्या? मत्स्य। तीसरे नंबर पे लेंगे अपन कौन सा? सूरसेन। और चौथे नंबर पे लेंगे अपन कौन सा जनपद? सीवी। ये राजस्थान के 4 जनपद हैं जिनका अपने को इस लेसन के पहले प्रश्न में वर्णन करना है। अब सुनते जाना, एक साथ समझा दूंगा। पहले देखते जाए अपन पहला जंगल। इधर मैं राजस्थान का मैप बना देता हूं और मैप के माध्यम से भी अपन समझते जाएंगे। ये जैसे अपन बात करें, वर्तमान में देखो राजस्थान में यहां तो है क्या? जोधपुर। यहां क्या है? बीकानेर। वर्तमान में जो जोधपुर और बीकानेर का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? जंगल कहा जाता था। समझ गए बात? वर्तमान जोधपुर बीकानेर को महाभारत काल में जंगल कहा जाता था और इस जंगल की राजधानी हुआ करती थी क्या? अहिछत्रपुर। और इसी अहिछत्रपुर का वर्तमान में नाम है क्या? नागौर। ये लिखना है अपने को। तो देखते जाना इसमें, वर्तमान जोधपुर व बीकानेर, आगे मत लिखना, नीचे लिख रहा हूं मैं, को महाभारत काल में क्या कहते थे? जंगल कहते थे। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी और इस अहिछत्रपुर को मतलब जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। अब एक चीज और ध्यान रख लेना, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो शासन किया था ना, वो बीकानेर के शासकों ने किया था, इसलिए बीकानेर के शासक अपने आप को कहते हैं जंगलधर बादशाह। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र को तो कहते थे जंगल और यहां शासन किया बीकानेर के शासकों ने, इसलिए बीकानेर के शासक अपने आप को जंगलधर बादशाह कहते हैं। इसी में एक लाइन और लिख लेना, बीकानेर के शासक स्वयं को जंगलधर बादशाह कहते थे। ये वर्णन हो गया किसका? जंगल का। समझ के बाद मानचित्र की सहायता से आप इसको अपने दिमाग में बिठा लेना कंप्लीट। अब अपन वर्णन करेंगे किसका? मत्स्य का। तो इसको हाथ के हाथ आप या तो उतार लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके फिर लास्ट में उतार लेना, लेकिन अपने नोट्स जरूर हाथ हाथ बनाते जाए करो। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? मत्स्य। अब मत्स्य के बारे में सुनना, वर्तमान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र और थोड़ा बहुत अलवर और भरतपुर का क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या कहलाता था? मत्स्य कहलाता था। तो सुनना दोबारा, जयपुर के आसपास का क्षेत्र तथा अलवर भरतपुर का कुछ क्षेत्र प्राचीन काल में मत्स्य कहलाता था। इस मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी क्या? विराट नगर। और इसी विराट नगर को वर्तमान में क्या कहते हैं? बेराट कहते हैं। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ भी नहीं इसमें। वर्तमान जयपुर तथा अलवर भरतपुर का कुछ क्षेत्र प्राचीन काल में मत्स्य कहलाता था।
इसकी राजधानी, इसकी मतलब किसकी, मत्स्य की, मत्स्य जनपद की, इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेरहाट कहते हैं, जिसे वर्तमान में मतलब इस विराटनगर को ही वर्तमान में क्या कहते हैं, बेरहाट कहते हैं। समझ गए बात, ये हो गई किसकी, मत्स्य जनपद की बात। अब मत्स्य जनपद के बाद में बड़ी चर्चा करेंगे किसकी, सूरसेन की। अब देखना सूरसेन के बारे में, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ज्यादा याद नहीं रखना आपको, एबीसीडी ध्यान रखना है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, ये यहां से धौलपुर आता है, ये नीचे करौली आता है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर तथा उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, राजस्थान के जस्ट इधर भारत का जो राज्य आता है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या कहते थे, सूरसेन कहते थे। समझ गए बात। और इस सूरसेन क्षेत्र की राजधानी थी क्या, मथुरा। आपने भगवान कृष्ण का नाम तो सुना ही है ना, क्यों, भगवान कृष्ण का जो संबंध है ना वो यादव वंश से संबंध था, और यादव वंश का शासन यहीं पे था, कौन से जनपद में, सूरसेन जनपद में। तो तीसरा अपन उल्लेख करें कौन सा जनपद, सूरसेन। तो इसमें लिखना अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, एबीसीडी चार तो ही आ गए, तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को प्राचीन समय में सूरसेन कहते थे। राजधानी क्या थी, मथुरा। इसकी राजधानी मथुरा थी। अब इसके साथ एक बात और याद रख लेना, यहां यादव वंश का शासन था, कौन से वंश का शासन हुआ करता था, यादव वंश का शासन था, और भगवान कृष्ण भी इसी वंश से संबंधित थे, मतलब यादव वंश से संबंधित ही भगवान कृष्ण थे, इसी जनपद के थे वो भी। अपन देखते हैं ना मथुरा यूपी में, यहाँ भगवान कृष्ण का ज्यादा पूजा पाठ होती है, और यही भगवान कृष्ण के सबसे ज्यादा मंदिर है, सबसे बड़े मंदिर है। तो इसी में आगे लिख देना, यहाँ यादव वंश का शासन था तथा भगवान कृष्ण भी इसी वंश से संबंध, इसी वंश के थे। ये लो, ये कौन सा अपना जनपद हो गया, सूरसेन जनपद। तो ये पहला तो हो गया था अपना जांगल, दूसरा मत्स्य, तीसरा सूरसेन, मतलब मत्स्य और सूरसेन आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि अलवर, भरतपुर का कुछ भाग मत्स्य में आ रहा है, कुछ भाग किस में आ रहा है, सूरसेन में आ रहा है। अब उसके बाद में चौथा जनपद है, उसका नाम क्या है, सीधी। तो अब देखना, ये वाला जो मेवाड़ का क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान में जो लास्ट में आते हैं ना, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, ये वाला क्षेत्र है, इसको जिसको अपन मेवाड़ भी कहते हैं, इस मेवाड़ को ही प्राचीन काल में क्या कहते थे, सीवी कहते थे। और इस सीवी की राजधानी थी क्या, नगरी। हालांकि ये सीवी पहले पाकिस्तान से उठकर आए थे, पाकिस्तान में इनकी राजधानी हुआ करती थी शिवपुर, लेकिन यहां आने के बाद में इनकी राजधानी क्या हो गई, नगरी। तो इसमें अपने को यही उल्लेख करना है, वर्तमान मेवाड़ को प्राचीन समय में सीवी कहते थे, जिसकी राजधानी क्या थी, नगरी
थी। ये लो अपने राजस्थान के चार जनपद कंप्लीट, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको उतने ही अच्छे तरीके से याद रखो। पहला जो चार नंबर का प्रश्न अपने इस लेसन में बनता है वो कंप्लीट। अब देखो जनपद में ज्यादा कुछ था नहीं, अब अपन डायरेक्ट आएंगे कौन से काल पे, मौर्य काल पे, क्योंकि अपनी किताब में जनपद महाजनपद के बाद में कौन सा काल दे रखा है, मौर्य काल। मौर्य काल अपन पढ़े इससे पहले, देखो क्वेश्चन के रूप में तो मैं लिख दूंगा, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है तीन मौर्य शासकों की अपने को चर्चा करनी है। एक तो है चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, ये इसका शासन काल था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक बनेगा जिसका नाम होगा क्या, बिंदुसार। ये शासन करेगा 298 ईसा पूर्व से कब तक, 272 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक बनेगा जिसका नाम होगा अशोक, वो शासन करेगा 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। इन तीन शासकों की अपन चर्चा करेंगे कौन से काल में, मौर्य काल में। अब तुम्हारे दिमाग में हो सकता है ये प्रश्न भी आ रहा हो कि ये सन उल्टी क्यों चल रही है, कि भाई मैं लिखने में उल्टा लिख रहा हूं कि यह सन पहले उल्टा ही चला करते थे। देखो कारण इसका ये था कि जब ईसवी सन प्रारंभ हुई, समझ गए बात, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तब से ईसवी सन प्रारंभ हो गई, और ईसा मसीह के जन्म के अगले साल को नाम दे दिया 1 ईसवी, फिर अगला साल हो गया 2 ईसवी, ऐसे करते करते वर्तमान में चल रहा है 2019 ईसवी, समझ गए बात। अब ईसवी सन जब से प्रारंभ हुई उससे पहले के समय को अपन कैसे लिखेंगे भाई, अगर आप थोड़ा सोचो कि ये जो ईसवी सन प्रारंभ हुई उसके पहले के समय को अपन कैसे लिखेंगे। अगर ईसवी सन प्रारंभ होने से 322 साल पहले की कोई घटना है तो उसे लिखते हैं अपन 322 ईसा पूर्व, मतलब ईसवी सन प्रारंभ हुई उससे 322 साल पहले ये शासक बना, और ईसवी सन प्रारंभ हुई उससे 298 साल पहले तक ये शासक रहा, तो इसका शासन काल हो गया 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, समझ गए बात। ये कारण है कि ये ईसवी सन क्या चलती है, उल्टी चलती है। आपको ये वाली सन बिल्कुल भी याद नहीं रखने, क्योंकि यहां से कोई प्रश्न नहीं बनता, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था। अब इसमें कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर का प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक, बहुत आसान सा है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समझ गए बात, कब की थी, 322 ईसा पूर्व, ये आपको याद रखना है नहीं। अब एक क्वेश्चन और इसमें से जो बनता है, ये जो स्टार लगा के जो लिख रहा हूं ना, एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं यहां से। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको घटनाक्रम बता देता हूं, अपन ने इससे पहले मौर्य काल से पहले महाजनपदों की चर्चा की थी, एक बहुत बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था जिसका क्या नाम था, मगध। एक छोटी सी घटना है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ये क्या है कि ये थोड़ा माइक हट गया, इसको लगा देता हूँ। हाँ अब सुनना, वो घटना, मगध एक महाजनपद था, क्यों, इस मगध में एक नंद वंश का शासक था और उस नंद वंश के शासक का नाम था दनानंद। बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनते जाना। मगध में नंद वंश का एक शासक था जिसका क्या नाम था, दनानंद। इस दनानंद के दरबार में एक ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण का नाम था क्या, कौटिल्य या चाणक्य, समझ
समझ गए बात। अब कौटिल्य या चाणक्य बहुत ही इंटेलिजेंट विद्वान माना जाता है भारत के इतिहास का। आज भी अपन कौटिल्य की पुस्तकें पढ़ने में विश्वास रखते हैं कि हाँ भाई उससे अपने को बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। तो कौटिल्य या चाणक्य, इसका क्या था, दरबार में एक ब्राह्मण रहता था। अब एक दिन क्या होता है, दनानंद और इस कौटिल्य के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, दोनों के बीच बहस होती है। उस बहस में इस दनानंद ने इस कौटिल्य को धमका दिया कि रे जा ब्राह्मण, तेरे जैसे बोल दे के मैंने। इस बात से कौटिल्य नाराज हो गया कि भाई मेरे को कहने की मत कैसे कर ली तूने। उसी समय कौटिल्य अपनी चोटी के गांठ लगाता है और एक वादा करता है, दनानंद जब तक तेरी हत्या न करवा दूं, तेरे को गद्दी से न हटवा दूं, तब तक इस चोटी की गांठ में नहीं खोलूंगा। तो ये कौटिल्य यहाँ से निकल जाता है, एक जंगल में जाता है। उस जंगल में कुछ बच्चे खेल खेल रहे होते हैं और उन बच्चों में से ही, मतलब खेल कौन सा खेलते थे वो बच्चे, एक बच्चा तो उसमें राजा बन रहा है और बच्चे उसके सिपाही बन रहे हैं और आपस में लड़ाई करके खेल खेलते हैं। और वो जो राजा बनने का जो खेल में जो नाटक कर रहा था, वो राजा बनने का नाटक कौन कर रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य की वहां उस जंगल में चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात होती है। कौटिल्य सोचता है कि यार वास्तव में इसमें तो राजा बनने की क्या है, क्वालिटी है। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य उस चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत बढ़िया तरीके से सैन्य प्रशिक्षण देता है, उसको अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाता है, लड़ने की विद्या देता है उसको। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा होता जाता है और उसको बढ़िया तरीके से एक प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक सेना तैयार की जाती है और वो सेना आक्रमण करती है कहाँ, नंद वंश के शासक दनानंद पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया, दनानंद को पराजित करके दनानंद की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद में शासक कौन बन गया, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रकार भारत में कौन से वंश की स्थापना हो गई, मौर्य वंश की स्थापना हो गई। अब इसमें से प्रश्न जो बनता है वो आप सुनना, लिखेंगे अपन यही, नंद वंश के शासक दनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से भारत में कौन से वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब देखना इसमें, कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक का क्या नाम था, दनानंद को पराजित करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। अब इसमें से कोई सा भी प्रश्न बन सकता है। देखो प्रश्न कैसे बनते हैं, इसमें आपसे पूछ लिया जाए नंद वंश के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, आंसर क्या होगा, दनानंद। कहाँ गया वो दनानंद, ये रहा, किसको पराजित किया, दनानंद को। आपसे प्रश्न पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो किसकी सहायता से की थी, कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से की थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की स्टार्टिंग हो गई। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये दो तो एक एक नंबर के प्रश्न हो गए, अब एक चार नंबर का प्रश्न बनता है वो सुनना। चंद्रगुप्त मौर्य में चार नंबर का प्रश्न कौन सा बनता है, एक यूनान का शासक था, उस यूनान के शासक का नाम क्या था, सेल्यूकस था। उस सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, किस पर, चंद्रगुप्त मौर्य पर। सेल्यूकस यूनान का एक बहुत बड़ा शासक था और उसको ये लग रहा था कि मैं इस दुनिया को जीत सकता हूँ। तो वो कई राज्यों को हराते हराते यूनान से कहाँ तक आ गया, भारत में आ गया। और भारत में उसका सामना हुआ किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप में काफ़ी वीर और शक्तिशाली शासक था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित कर दिया, सेल्यूकस को पराजित कर दिया। और दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 305 ईसा
पूर्व में। इस युद्ध के बाद फिर दोनों में समझौता होता है, संधि होती है, राजीनामा होता है, किस किस के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच। अब वो समझौता हुआ, उस समझौते में क्या क्या शर्तें थी, उस समझौते में क्या क्या बातें थी, वो प्रश्न बनता है कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो उसे अपन एक क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य हुए समझौता, के मध्य हुआ समझौता, समझौता कह दो चाहे शर्तें कह दो चाहे संधि कह दो, एक ही बात है। तो क्या क्या समझौता हुआ था, उससे पहले आप ये जरूर बताओगे कि 305 ईसा पूर्व यूनान के शासक सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ जिसमें जीत किसकी हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। और इसके बाद दोनों के बीच क्या होता है, समझौता होता है, और समझौते की क्या क्या शर्तें थी, वो शर्तें अपने को बतानी है। अब समझना इसको, देखो सेल्यूकस के एक पुत्री थी, एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी किसके साथ कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। अब आप खुद सोचो कि अपने आसपास के गांवों में अपनी ब्याह शादी नहीं होती, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो यूनान की राजकुमारी के साथ शादी की थी। पूरे भारत के इतिहास में अपन देखे ना तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने दूसरे देश में शादी की थी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। तो पहला समझौता तो ये याद रखोगे आप कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। अब भाई बेटी की शादी करेगा तो साथ में कुछ दहेज भी देगा, हालांकि अपन दहेज का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इसने जो साथ में दहेज दिया था वो समझना क्या क्या दिया था। एक तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सेल्यूकस ने किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। दो शर्तें बता चुका हूं, एक तो अपनी बेटी दे दी, पहले पॉइंट में तो ये लिखेंगे, दूसरा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान व सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र भी दे दिया, दो शर्तें कंप्लीट। तीसरा, इस सेल्यूकस का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगस्तनीज, वह मेगस्तनीज भी सेल्यूकस ने किसको सौंप दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। तो तीन पॉइंटों में तो अपन वो बातें लिखेंगे जो सेल्यूकस ने किसे दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी, और चौथे पॉइंट में अपन वो लिखेंगे कि बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया, 500 हाथी भेंट कर दिए, 500 हाथी उपहार में दे दिए। ये समझौते की चार शर्तें अपने को लिखनी है। तो एक हम पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं। पहला तो क्या था, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, हेलेना अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, वरना इसका नाम लिखने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। हेलेना का विवाह है, सिंपल लिख देना, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो पहले पॉइंट में तो अपनी पुत्री दे दी, दूसरा सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान व सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया।
तीसरा, इसके अलावा सेल्यूकस ने क्या दिया था, अपना एक राजदूत दिया था जिसका नाम था मेगस्तनीज। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्तनीज, मेगस्तनीज भी उस समय का अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम है इंडिका, जो अपन आगे उल्लेख कर लेंगे। अपना राजदूत मेगस्तनीज भी किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। तो ये तीन पॉइंटों में तो अपन ने लिख लिया कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया। चौथे पॉइंट में लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए, सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए या दिए या उपहार में दिए, जैसा भी आप लिखना चाहो इसको लिख सकते हो। समझ गए बात। यहां देखो, ये जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, जो और कई किताबें उसमें यहां लिखा हुआ आता है काबुल, कंदार, हेरात, मकरान। अगर ये तीन नहीं लिखो ना, तो इसकी जगह लिख सकते हो आप काबुल, कंदार, हेरात, मकरान। लेकिन अपनी किताब में लिखा हुआ तो अपने तो कोशिश करना कि ये का ये अपने लिख लें। ये चंद्रगुप्त मौर्य के और सेल्यूकस के मध्य हुआ समझौते की कुछ शर्तें। अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में उल्लेख करेंगे, लास्ट में उसने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था, वो वहां से एक एक नंबर का प्रश्न बनता है। एक व्यक्ति था जैन धर्म का, एक गुरु था जिसका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। तो जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया और गुरु बनाकर कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, जैन धर्म ग्रहण कर लिया। अब ये एक एक नंबर के क्वेश्चन ही आ रहे हैं इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु, ये जैन धर्म का ही एक गुरु था, भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया तथा जैन धर्म ग्रहण कर लिया। एक लाइन में याद रख लेना, गुरु किसे बनाए इसका नाम जरूर याद रख लेना। क्या नाम था? भद्रबाहु। अब इसकी मृत्यु कहां हुई, ये एक नंबर का और याद रख लेना। एक जगह है स्वर्ण बेल गोला, और ये स्वर्ण बेल गोला वर्तमान में पड़ता है कर्नाटक में, वहां संथारा पद्धति से इसने अपनी मृत्यु चुन ली। देखो, जैन धर्म तो इसने ग्रहण कर ही लिया था, और जैन धर्म में मरने की एक परंपरा होती है, उस मरने की परंपरा को कहते हैं संथारा फरता। उस फरता में क्या होता है कि आदमी जब, उनको जैन धर्म में माना जाता है कि लास्ट में आके जब वो एकदम भूखा प्यासा रहे, भूखा प्यासा रहने का मतलब वो खुद चाहता है कि मैं मरूं, और भूखा प्यासा रहकर अपनी मौत ले लेता है, अपनी मृत्यु मतलब एक तरह से उसकी मौत हो जाती है भूखे प्यासे रहने से। तो इस फरता को कहते हैं जैन धर्म में क्या, संतारा फरता। और ये माना जाता है कि संतारा फरता से यदि कोई व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अपने को यही ध्यान रखना है इसकी मृत्यु कहां हुई थी, स्वर्ण बेल गोला में। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपनी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं कि कहां कहां से इसमें एक एक नंबर का प्रश्न बनता है, कहां से इसमें चार नंबर का प्रश्न बनता है। अब इसके बाद में अगला शासक आता है क्या, जिसका क्या नाम था, शुरू में अपन ने नाम लिखा था बिंदुसार। सर टाइम देख लो ना, किताब हो गया। अब अपन चर्चा करेंगे किसकी, बिंदुसार की। और बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में अपनी चर्चा होगी अशोक को लेकर, और ये सभी चर्चाएं होंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।